प्यारे बच्चों, सबक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की पढ़ाई प्लस वजाहत में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोगों ने दिया गया होमवर्क कर लिया होगा। अब हम चलते हैं सफ़ा नंबर 31 और 32 की पढ़ाई और वजाहत की तरफ। तो अपनी किताबें सफ़ा नंबर 31 पर खोल लें। सफ़ा नंबर 31 का आखिरी पैराग्राफ की पढ़ाई और वजाहत आज हम यहाँ से हम शुरू करेंगे। पेंसिल आपने पकड़ लें और मेरे साथ साथ करते जाएं। पैराग्राफ गज़वे तबूक। गज़वे तबूक के मौके पर, अब गज़वे तबूक जो है ये रजब में मुसलमानों को इत्तला मिली कि शाम के ईसाई शहरकल रूम की मदद से मदीने पर हमले की तैयारियां कर रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तैयारी का हुक्म दे दिया। इसकी अहमियत इसलिए है, गज़वे तबूक की इसलिए है कि ये बहुत ज्यादा, जिन दिनों में ये हुआ है उस साल अरब में सख्त कहत था और गर्मी भी शदीद तरीन थी, खजूर की जो फसल है वो भी तैयार थी। ठीक है, तो मुनाफिकों ने कुछ ने इसे बहाना बना दिया और लड़ने से इनकार कर दिया और कुछ मुसलमानों को भी बहकाना शुरू कर दिया। लेकिन इस मौके पर मुसलमानों ने, जो मुसलमान थे, उन्होंने कमाल वफादारी का सबूत दिया, बहुत ज्यादा जानसारी और वफादारी का सबूत दिया और जो कुछ हो सका उनसे उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया ताकि जंग का इंतजाम किया जाए। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 जानसारों के साथ मदीना मनवरा और से रवाना हुए। ये मदीना मनवरा और दमिश्क के दरमियान तबूक एक बस्ती है जहाँ आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 रोज क़याम फरमाया। तबूक के मकाम पर पहुँच कर मालूम हुआ कि हमले की खबर गलत थी। बहल वहाँ के जो ईसाई हैं उन्होंने जजिया देने का कबूल कर लिया और इस तरह जंग तबूक जो सख्त कैद और खुशहाली का वक्त था, कहत का वक्त था, शदीद तरीन गर्मी थी, फसलें तैयार थी, तो असल में ये वो वक्त था जिससे मुसलमान जो है अपनी जानसारी और वफादारी जो है वो दिखा रहे थे। यही वो वक्त था जिसमें उनकी वफादारी और जानसारी जो है वो सामने खुलकर आ रही थी। गज़वे तबूक के मौके पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा जमा करने का हुक्म दिया। चंदा किसे कहते हैं? वो रकम जो मुख्तलिफ लोगों से किसी काम के लिए ली जाए, उसे हम चंदा कहते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, जो खलीफा दौम भी हैं, ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से बढ़कर माल देने का मुसम्मम इरादा किया। मुसम्मम पक्का, ये लफ्ज़ है मुसम्मम, मुसम्मम। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि खलीफा दौम हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से बढ़कर माल देने का मुसम्मम इरादा कर लिया, यानी उन्होंने ये पक्का इरादा कर लिया, कसद कर लिया कि कुछ भी हो मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से ज्यादा माल दूंगा। और इस इरादा करने के नतीजे में उन्होंने क्या किया? और अपना आधा माल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। ठीक है, गज़वे तबूक का मौका है, चंदा जमा करने का हुक्म दिया गया है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से मुकाबले के तौर पर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुकाबला किया कि मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा माल दूं, तो उन्होंने क्या किया? अपने घर का आधा माल जो है वो हुज़ूर सल्लम के सामने पेश किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, पूछा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से कि अपने अहलो अयाल के वास्ते, अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ा है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, उन्होंने जवाब दिया कि निस माल छोड़ आया हूँ, कि आधा मैंने अपने घर वालों के लिए छोड़ दिया है और आधा जो है यहाँ पर आप सल्लम की खिदमत में पेश कर दिया है। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अपना तमाम माल, सारा माल, तमाम का तमाम माल लिए हुए आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी वही सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया कि अहलो अयाल के लिए अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जो है
उन्होंने अपने घर का आधा माल और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर का तमाम सारा माल जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। वो परवाने को शम्मा बुलबुल को फूल बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। तो ये वही वाली बात है कि उनके लिए सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही काफ़ी हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये देख कर कहा कि मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी भी बात में ना बढ़ सकूंगा, यानी मैं इनसे किसी भी तौर पर आगे नहीं जा सकता, किसी भी चीज़ में उनसे बाजी नहीं लेकर जा सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा यहाँ तक जो है वो ग़ज़वे तबूक तक हमने पढ़ लिया, ग़ज़वे तबूक तक हमने ये सारा पढ़ लिया। इसमें जो मुश्किल अल्फाज थे उसके माइनिंग और साथ साथ वजाहत भी हो गई। उम्मीद करती हूँ सफ़ा नंबर 31 भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सफ़ा नंबर 32 की तरफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके जानशीन मुकर्रर हुए। अच्छा, विसाल दुनिया से रुख्सत होना, दुनिया से चले जाना। आप रज़ी अल्लाह तआला उनके जानशीन नायब अपनी जगह किसी को मुकर्रर करना, ठीक है। मुसलमानों की इमामत जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी शिद्दत अख्तियार कर गई, उसमें शिद्दत आ गई, बहुत ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए, तो एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़ा और इमामत के लिए मुसल्ला पर खड़ा किया। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का इशारा भी किया कि मेरे बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो खलीफा होंगे। तो यहाँ पर वही है कि विसाल के बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हु उनके जानशीन अपनी जगह किसी को मुकर्रर करना, जानशीन मुकर्रर हुए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफे अव्वल के मनसब ओहदे पर फायज रहे, फायज मुकर्रर हुए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुल्की सियासत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज पर चलाया। अब आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुल्की सियासत, जो मुल्क का इंतजाम है, उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जो तरीके थे, उसूल थे, उसी पर चलाया। और हर अहम मामले में जो भी खास मसला होता, कोई मामला पेश आता, तो उसमें आप असहाबे राय से मशवरा करते रहे, ठीक है। असहाबे राय, असहाब साहब की जमा, वो बुजुर्ग जिन्होंने बहालत ईमान हजरत मोहम्मद सलम को देखा और ईमान पर फोत हुए, तो आपने भी असहाबे राय से मशवरा, सलाह, बामी तजवीज उनसे करते थे, उनसे भी पूछते थे कि क्या बेहतर है। ये नहीं कि जो आपके दिल में आया आपने वो किया, बल्कि आप दूसरों से भी मशवरा मांगते थे, दूसरों के भी सुनते थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत एक अमानत के तौर पर समझी। खिलाफत हुकूमत, अमानत सौंपी गई चीज जो होती है, दी गई चीज जो होती है, उसके तौर पर इसको समझा कि ये हुकूमत जो है मुझे एक सौंपी गई चीज है जिसके बारे में मुझसे पूछा जाएगा, तो एक अमानत के तौर पर इसको आपने समझा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से चले जाने के बाद मुहाजरीन अंसार ने भी फिर आपको मिलकर जो है वो खलीफा मुंतखब किया था, ठीक है। आप 12 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी को खलीफा बने। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं अपने साथ, 12 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी को खलीफा बने, ठीक है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में जिन लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया, आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके खिलाफ भी जिहाद करने का ऐलान किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के विसाल के बाद यानी उनके दुनिया में चले जाने के बाद कुछ लोगों ने नबूवत के झूठे दावे भी किए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके खिलाफ भी जिहाद किया और उन के खिलाफ उठ खड़े हुए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये अमानत कौन सी खिलाफत की, ये अमानत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से ली, जिस तरह उन्होंने अपनी जगह आपको मसल्ला पर खड़ा कर दिया और अपनी जगह आपको जानशीन मुकर्रर कर दिया था उसी तरह, और उसको हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी अजीम हस्ती के सुपुर्द किया, जैसी अजीम बड़ी शख्सियत, अजीम हस्ती बड़ी शख्सियत के सुपुर्द किया के हवाले किया। यहाँ पे उनके खलीफा होने और उन खिलाफत में जो जिस तरह के उन्होंने काम सर अंजाम दिए, उमूर सर अंजाम दिए, उसके बारे में जिक्र है। अब आखिर में देखें, इसका आखिरी पैराग्राफ है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का एक अहम कारनामा जिसने आप रज़ी अल्लाह अन्हु के मकाम व मर्तबे को और भी बुलंद कर दिया, यानी आपके दर्जात में और भी इजाफा किया, वो है जमा कुरान, कुरान का जमा करना। कुरान मजीद जो है वो किताबी सूरत में नहीं था, ठीक है, कुरान मजीद किताबी सूरत में नहीं था, ये सिर्फ हुफाज के सीनों में महफूज था, हुफाज के सीनों में महफूज था, लोग उसको याद करते थे और वही जो है वो आगे चल रहा था। जंगों की वजह से जब मुख्तलिफ किस्म की जंगें हुई तो हुफाज कुरान की एक बड़ी तादाद शहीद हो गई, जंग की जमा जंगों की वजह से हुफाज कुरान, हुफाज हाफिज की जमा है, हुफाज हाफिज की जमा, अब हुफाज कुरान कुरान के हाफिजीन, कुरान के हाफिज की एक बड़ी तादाद शहीद हो गई, और ईरान और रूम की लड़ाइयों से, उन दिनों जब ईरान और रूम की लड़ाइयां जारी थी, उससे ये फिक्र खदशा लाहक हो गया था, अंदेशा लाहक हो गया था कि बाकी मांदा हुफाज भी कि जो रह गए हैं, बच्चे बच गए हैं, वो हुफाज भी कहीं इनकी नज़र ना हो जाए, नज़र इन ये भी कहीं इन लड़ाइयों में शहीद ना हो जाए, यहाँ पर लड़ाई में शहीद होना, बाकी मांदा हुफाज भी कहीं इन लड़ाइयों की नज़र ना हो जाए, यानी इन लड़ाइयों में शहीद ना हो जाए, वैसे नज़र की मैनी होते हैं पेश करना, भेंट चढ़ाना, यहाँ पर इसका मतलब है नज़र होना यानी शहीद ना हो जाए, जो बाकी रह गए हैं हाफिज वो भी कहीं बाकी जंगों में शहीद ना हो जाए और इस तरह कुरान ज़ाया हो जाए। ज़ाहिर बात है जब हुफाज शहीद हो जाएंगे तो फिर कुरान जो है वो कौन आगे इसको करेगा, सिखाएगा कौन इसको आगे। तो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये ख़तरा बर वक्त भांप लिया यानी वक्त पर, बर वक्त पर भांप लिया, जान लिया के बारे में जान लेना, भांप लेना जान लेना, तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस खतरे को बहुत वक्त पर जान लिया और खलीफे अव्वल को जमा कुरान का मशवरा दिया। ये देखें जब हम कहते हैं साहब से मशवरा लेते थे तो देखें उन्होंने इनको मशवरा दिया कि कुरान जो है वो जमा करें। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने इब्तिदा में तरद्दुद जाहिर करते हुए फरमाया, ठीक है, इब्तिदा में शुरू में तरद्दुद, पसो पेश, तजब्जुब, तरद्दुद यानी कोई फैसला ना कर पाना, तरद्दुद कोई फैसला ना कर पाना कि क्या किया जाए, ठीक है, तो तरद्दुद जाहिर किया कि मैं किस तरह से ये कर सकता हूँ, ये कैसे हो सकता है, तरद्दुद जाहिर करते हुए फरमाया मैं वो काम कैसे करूँ जो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, ठीक है, जो आन हज़रत ने नहीं किया मैं वो काम कैसे कर सकता हूँ। लेकिन मज़ीद सोच विचार के बाद, मज़ीद सोच विचार गौर व फिक्र करने के बाद आपका दिल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इस मशवरे पर मुतमईन हो गया, मुतमईन हो गया यानी आपको इत्मीनान हो गया, तसल्ली हो गई कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक है, उस पर अमल करना बेहतर है। यही वजह थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर हज़रत ज़ैद बिन साबित को कुरान पाक जमा करने का काम सुपुर्द किया ताकि इसे किताबी शक्ल में लाया जा सके, और यह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का एक बहुत बड़ा कारनामा है। चुनाचा आप रज़ी अल्लाह अन्हु यकसू होकर
मुकम्मल तवज्जो के साथ कुरान जमा करने के काम में लग गए। मशहूर रवायत के मुताबिक दौरान खिलाफत ही कुरान करीम जमा कर लिया। अब मशहूर रवायत, रवायत रवायत की जमा, दूसरे के अल्फाज या दूसरे की बात को नकल करना। मशहूर रवायत यानी जो दूसरे बयान करते हैं, दूसरे की बात यहाँ पे नकल की गई है, अल्फाज बयान किए गए हैं कि उनके मुताबिक दौरान खिलाफत, दौरान खिलाफत यानी खिलाफत के दौरान, ये देखिए ये भी मुरकब इजाफी, जेर की हरकत आ रही है, जेर की हरकत है, ठीक है, मुरकब इजाफी, दौरान खिलाफत, खिलाफत के दौरान ही कुरान मजीद जमा कर लिया। ये सफा नंबर 32 की पढ़ाई और वजाहत भी हमने कर ली। अब मैं आपको बताती चलूं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुजरे में हजरत आयशा सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के हुजरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में ही दफन किया गया है। आपका शुमार भी अशरा मुबशरा में होता है। अशरा मुबशरा वो सहाबा इकराम हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जिंदगी में ही जन्नत की बिशारत दे दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ही फरमाया है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं, ये गारे, जिस तरह गारे हिरा में आपकी दोस्ती थी तो गारे हिरा में भी आप इनके साथ होते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह गारे हिरा में मेरे साथी थे, हौज़े कौसर पर भी मेरे साथी होंगे, ये मेरी उम्मत में सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। और एक और मौके पर फरमाया कि अबू बकर के लिए जन्नत के तमाम दरवाजे खुले होंगे। तो इससे इनकी अजमत और इनकी शान का जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं जिनके बारे में नबी अकरम सल्लम ने ये फरमाया है। उम्मीद है ये सबक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, आपने इसके मीनिंग जो है वो नोट कर लिए होंगे और आपको किसी किस्म की अब मजीद इसमें दुश्वारी और परेशानी नहीं होगी। इमला के अल्फाज नोट कर लें। पहला लफ्ज है शोहरत, शोहरत, एतमाद। दूसरा लफ्ज है एतमाद के बाद जुमला है तिजारत इस खानदान का आबाई पेशा था, तिजारत इस खानदान का आबाई पेशा था। अब सफा नंबर 30 पे आ जाएं। अगला लफ्ज है उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन। अगला जुमला है हिजरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसफर और गारे सौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। हिजरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमसफर और गारे सौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे। अगला लफ्ज है एहदे रिसालत, एहदे रिसालत के बाद लफ्ज है मसाइब, मसाइब। अब सफ़ा नंबर 31 पर आ जाएं। सफ़ा नंबर 31 पर देखें, लफ्ज़ है मकरूज, मकरूज। अगला लफ्ज़ है दोष बदोश, दोष बदोश। अगला लफ्ज़ है घड़ी, घड़ी, जो वक्त के मायने में आए हैं। उसके बाद अगला जुमला देखें, ग़ज़वे तबूक के मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा जमा करने का हुक्म दिया, ग़ज़वे तबूक के मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा जमा करने का हुक्म दिया। अब सफ़ा नंबर 32 पर आ जाएं। सफ़ा नंबर 32 पर देखें, लफ्ज़ है जानशीन, जानशीन। जुमला है नेक्स्ट, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत एक अमानत के तौर पर समझी, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत एक अमानत के तौर पर समझी। इसके बाद लफ्ज़ है अंदेशा, अंदेशा, अंदेशा। उसके बाद आखिरी जुमला है, मशहूर रवायात के मुताबिक दौरान खिलाफत ही कुरान करीम जमा कर लिया। मशहूर रिवायात के मुताबिक
दौरान खिलाफत ही कुरान करीम जमा कर दिया। ये थे आपके इमला के अल्फाज और जुमले। उम्मीद है आपने मेरे साथ साथ ये इनकी निशानदेही कर दी होगी। अब अपना घर का काम भी नोट कर लें। घर का काम नोट कर लें। घर का काम है सबक हज़रत अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इमला की मश्क करें। दिया गया तमाम होमवर्क आप रफ कॉपी में करेंगे। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका तहरीरी काम करेंगे। अपनी कॉपियां रेडी रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।